देखिए, प्रकरण थाना अमरोहा देहात का है, जिसमें 23 तारीख को एक काविंदर नाम की व्यक्ति है, जिनकी उम्र 27 साल है, उसकी डेड बॉडी बोरी के अंदर मिली थी। इसमें हम लोगों ने एसओजी और थाना स्तर से और साथ ही सर्कल की और भी टीम्स लगाई थी इसका जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए। तो इसमें जो 302 का मुकदमा जब पंजीकृत कराया गया था, उसी में वादी के बयान के आधार पर कुछ नाम प्रकाश में आए थे। उसी में एक फाजिल नाम के व्यक्ति हैं, जो कि एक टेम्पो चालक है, उसका नाम प्रकाश में था, उसकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ एक हम लोग कल पुलिस मुठभेड़ भी हुई थी, उस दौरान हम लोगों ने चेकिंग लगा रखी थी। तो बाद में जब पता चला कि मुठभेड़ के दौरान दो व्यक्ति उसमें घायल हुए थे, एक हसन और एक कामर, ये दोनों व्यक्ति भी इस घटना में संलिप्त थे। ये तीन व्यक्ति 302 के मुलजिम हैं। साथ ही साथ इन व्यक्तियों ने एक पहले से ऑलरेडी प्री प्लानिंग कर रखी थी इसकी हत्या करने के लिए काविंदर की। लगभग 20 से 21 दिन पहले इन लोगों का आपस में बहस हुई थी कुछ सवारी को बिठाने को लेके। तो इन तीन लोगों ने इसको फाजल के माध्यम से बुलाया था अपने गोदाम में। गोदाम ये कामिल का है। इन्होंने साथ में इकट्ठे बैठ के इन्होंने 22 तारीख की शाम को दारू पी थी, शराब पी थी, और उसी नशे की हालत में इन तीनों व्यक्तियों ने इसकी हत्या करी। साथ में वहीं पर ही बोरी में बांध के इसको अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में इसकी बॉडी फेंक दी गई थी। इसका एसओजी और थाना पुलिस द्वारा, साथ ही साथ हमारे एडिशनल एसपी और सीओ साहब के माध्यम से इसका सफल अनावरण किया गया है, और बाकी विवेचना प्रचलित है।